ये है ताऊ जी। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 58 साल की। 58। और कब से ये काम कर रहे हो आप? ये हो गया 30 साल। 30 साल। भयंकर मौसम हो गया यार, इतनी ठंड लग रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो इतनी तेज बारिश पड़ रही है, मौसम देख सकते हो। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो ऐसा लगता है कि बर्फ पड़ी जाएगी। आज पूरी बारिश भी हो गई और बादल भी एकदम चारों तरफ से, मौसम ऐसा बन गया है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आज बारिश हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नई जोश और नई उमंग के साथ। सभी फैमिली एंड रावत के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं अशोक रावत स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोगों का। कई लोग पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हों। पौड़ी गढ़वाल में स्थित ग्राम पाटलियों का रहने वाला हूँ और हम उत्तराखंड से गांव-गांव शहर-शहर मार्केट जाके वीडियो बनाते हैं और उत्तराखंड की वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7 और मौसम देख सकते हो चारों तरफ, आज या शाम तक बर्फ बन पड़ जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर में पड़ जाएगी या शाम तक लग रहा है मेरे को कि आज पहाड़ों में बर्फ़ ज़रूर पड़ेगी क्योंकि मौसम ऐसा हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ बारिश पड़ रही है, यूज होता था वो। तो बने रहे हमारे साथ, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपसे कुछ नई बात करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा शायर सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों शायर कुछ इस तरह से है कि मन नहीं करता मेरा इन पहाड़ों से जाने का, मन नहीं करता मेरा इन पहाड़ों से जाने का, इसीलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आपका सपोर्ट पाने का। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए, तभी हम हैं जब आप हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक देख सकते हो मौसम पूरा कैसा हो गया है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, पूरा अंधेरा हो रखा है मौसम, बारिश पड़ रही है बहुत भयंकर, ये देख सकते हो आप। ये है दोस्तों मौसम, आपको भी लग रहा होगा मौसम देख के कि बहुत जल्द बर्फ़ पड़ जाएगी, तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार है। तो आज बने रहे हमारे साथ। हाँ दोस्तों नाश्ता वास्ता करने के बाद बिल्कुल मौसम ऐसा हो गया, बस कुछ देर और रुक जाओ, बस मेरे को लग रहा है कि आज ही पड़ जाएगी बारिश, सॉरी बर्फ़ आज ही पड़ जाएगी मुझे लग रहा है ऐसे बर्फ़ है ना, आपको भी लग रहा है ना, सच बताओ। इतनी भयंकर मौसम हो गया, इतनी ठंड लग रही है, दिखाता हूँ मैं आपको, देख सकते हो इतनी तेज बारिश पड़ रही है, मौसम देख सकते हो कैसा हो रखा है, इतनी तेज बारिश पड़ रही है। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद, मेरे को लग रहा है बर्फ़ पड़ जाएगी तो और भी बढ़िया, आपको भी दिखाएंगे हम बर्फ़ के नज़ारे। और वो दोस्तों ये देख सकते हो मैं एक नींद सो के भी आ चुका हूँ चार पाए से और 1 बज रहे हैं इस समय, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, अभी तक बिल्कुल कंटिन्यू बारिश चल रही है, कंटिन्यू अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। अब जा रहे हैं हम खाना खाने, पहले आपको दिखा देता हूँ ये देख सकते हो कैसा हो रखा है, एकदम 100% बर्फ़ पड़ेगी, अब गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, कल तक बर्फ़ पड़ जाएगी ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हो पूरा आसमान कैसे हो रखा है। दोस्तों ये देख सकते हो अब बज रहे हैं 3:25 हो रहे हैं और अभी तक भी कंटिन्यू बारिश चल रही है और कोहरा ऐसा लगा हुआ है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सामने बिल्कुल घनघोर कोहरा लग चुका है, ये देख सकते हो आप, कुछ नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल, चारों तरफ इतना भयंकर कोहरा लगा है, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, पूरे तरफ यहाँ से नीचे घर दिखते थे वो भी नहीं दिख रहे हैं, पूरा कोहरा लगा और बारिश हो रही है। हाँ ये देख सकते हैं, ये हमारे भमरा खोली गांव के ताऊ जी हैं, ये देख सकते हो पहाड़ों में बर्फ हो या बारिश हो या कुछ भी हो, इनका बिजनेस है कपड़ा बेचने का, ये बच्चों के कपड़े, औरतों के शर्ट पैंट जैकेट सॉक्स वगैरह मतलब बेचते हैं जगह जगह गांव में जाके। तो भमरा खोली गांव के हैं ये ताऊ जी। तो उत्तराखंड में भी ये एक चीज़ का रोज़गार है,
कि मतलब काफ़ी टाइम से बेचते हैं ये, तो भमरा खोली गांव से कम यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, और उतनी ऊपर चढ़ानों में, पहाड़ों में, दिन में ये देख सकते हो कितना कोहरा लगा है, बारिश पड़ रही है। एक तरफ उम्र भी इनकी कम से कम 50 से ऊपर ही होगी उम्र, और इस प्रकार से अपने परिवार का मतलब रोज़गार कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जब ताऊ जी हैं ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो उत्तराखंड छोड़ के जाते हैं कि उत्तराखंड में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इस उम्र में देख दो 50-55 के करीब होंगे ताऊ जी हमारे, जो भमरा खोली कदगा 58 साल के हैं। चलो आपकी बात करवा ही देते हैं हम। ये है ताऊ जी। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 58 साल की। 58, और कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये हो गया 30 साल। 30 साल से कर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से हमारा गांव कम से कम 9-13 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो इससे मतलब गुजारा होता है आपका? हाँ, गुजारा। अच्छा, गुजारा। अच्छा, तो मतलब ये भी साधन है, मतलब उत्तराखंड में कई लोग हैं, जवान लड़के हैं, भाग जाते हैं दिल्ली। तो रोजगार करना चाहो तो क्या नहीं है उत्तराखंड में भी सब चीज़ें? क्यों नहीं, पर शर्म नहीं करनी चाहिए। हाँ, शर्म नहीं होनी चाहिए काम करने में। ये देख सकते हो कितना वजन उठा के आप, बरसात हो, बर्फ हो, हैं, रोजगार तो रोजगार है। रोजगार से बारिश लगी है, बर्फ गिरने का डर है। अच्छा, है ना। अच्छा, डर नहीं लगी तुम ताके लोग जानो कुड़ उड़ लगी6 बजे तक थे हमारे ताऊ जी जो कि भमरा खोली गांव से थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। काफ़ी ये भी 30 साल इन्होंने बताया कि 30 साल से मेहनत कर रहे हैं और अपने परिवार का मतलब पेट पाल रहे हैं। रोजगार तो उत्तराखंड में क्यों नहीं है, जब ताऊ जी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। यही थे हमारी वीडियो। इस वीडियो का एंड करते हैं एक शायरी के साथ। तो शायरी कुछ इस तरह है कि भले ही मैं शक्ल से थोड़ा बहुत काला हूँ, भले ही शक्ल से मैं थोड़ा बहुत काला हूँ, लेकिन मुझे गर्व है मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू ऑल।